नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CTT एंड TET प्रिपरेशन में। इस वीडियो में मैं एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए उस पर चर्चा करूंगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि एक अच्छे शिक्षक में संयम, सदाचार, विवेक, सहनशीलता जैसे गुण होने चाहिए। इन गुणों से वह अपने छात्रों को भी महान बना सकता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को केवल विषय से संबंधित सूचनाओं का भंडारगृह ही नहीं बनाता, बल्कि वह अपने छात्र के व्यक्तित्व को भी उभारता है। अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को खेलने का अवसर प्रदान करता है, कक्षा में ऐसा वातावरण देता है जिसमें छात्र अपनी योग्यताओं का विकास कर सके। एक अच्छा और आदर्श शिक्षक अपने समय का सदुपयोग करता है। जो शिक्षक समय का पालन करता है और योजना बनाकर विषय के अनुसार ज्ञान प्रदान करता है, वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। एक आदर्श शिक्षक अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन वह नहीं बन पाते हैं, तो उसने शिक्षण का कार्य शुरू कर दिया। पढ़ाने में रुचि न होते हुए भी इस कार्य को करने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे मन से शिक्षण कार्य करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो शिक्षक का असंतोष उसके व्यवहार में भी छलकेगा। मतलब ज़बरदस्ती टीचर बन जाना, अब उसमें पढ़ाने में मन न लगने पे भी मजबूरी बस शिक्षक बन जाना, कोई और दूसरा जॉब नहीं होता है तो लोग शिक्षण का कार्य अपना लेते हैं। तो उनका जो असंतोष होता है अपने काम के प्रति, सो उनके व्यवहार में भी झलकने लगता है। एक अच्छा शिक्षक कक्षा में हमेशा तैयारी के साथ जाता है, रोज़ कुछ नए विचार लेकर जाता है, पाठ में नवीनता लेकर जाता है। जैसे भोजन में नयापन भोजन को अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट बना देता है, जबकि रोज़ एक जैसा भोजन नीरस लगने लगता है, उसी प्रकार एक ही ढंग से पढ़ाई बच्चों को विषय से दूर ले जा सकती है। मतलब पढ़ाई में भी नए नए विधि का उपयोग करना। जैसे भोजन में रोज़ रोज़ अगर हम एक ही तरह का खाना खाने लगते हैं तो फिर उस खाना को खाने का मन नहीं करता है। उसी तरह से एक ही विधि से पढ़ाना बच्चों को विषय से दूर ले जा सकता है। ठीक है, अगला है, एक आदर्श शिक्षक में नम्रता और श्रद्धा होती है। वह ऐसी वाणी बोलता है जिससे बच्चे उससे प्यार करते हैं। उन्हें अपनी भावनाओं और मन की इच्छाओं को शिक्षक के सामने व्यक्त करने में झिझक नहीं होती है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता, वह अपने छात्रों का स्नेह और आदर भी अर्जित करने की कोशिश करता है। सम्मान शिक्षक होने भर से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा शिक्षक शिक्षा का लक्ष्य हमेशा ध्यान में रखता है। शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है तथा इसका जीवन में उपयोग करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। छात्र के व्यक्तित्व के विकास के साथ ही उसमें करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं के बीज बोना भी शिक्षा के लक्ष्य है। एक अच्छा शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। वह शिक्षा को एक मिशन मानता है। यदि ऐसा नहीं होता तो अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। एक आदर्श शिक्षक किसी कुशल माली के समान बच्चों को पोषण देता है। जिस प्रकार माली पौधे को खाद पानी देता है, खरपतवार को पास नहीं उगने देता और धूप बारिश तूफान आदि से बचाता है, पौधे को सुंदर बनाने के लिए काट छाट भी करता है, उसी प्रकार एक अच्छा शिक्षक भी छात्रों को अच्छी शिक्षा देता है और उन्हें बुराइयों से बचाता है। एक आदर्श शिक्षक यह जानता है कि जैसे तेज रफ्तार से बहती नदी के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, उसे केवल थोड़ा बहुत मोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों की भावनाओं को रोक नहीं सकता लेकिन वह उन्हें सही दिशा दे सकता है। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को उनके अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने के योग्य बनाता है। वह छात्रों को बताता है कि जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर उसके सभी छात्र डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। वे खिलाड़ी भी बन सकते हैं, व्यापारी भी बन सकते हैं, गायक भी बन सकते हैं, चित्रकार भी बन सकते हैं, अभिनेता, नेता, सैनिक, अधिकारी, कुछ भी बन सकते हैं। यानी एक अच्छा शिक्षक जीवन की सारी खिड़कियाँ छात्रों के सामने खोल देता है। ठीक है,
एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो पढ़ाई में अपने छात्रों को भागीदार बनता है। वह छात्रों को केवल श्रोता नहीं बनने देता, जो बेमन से शिक्षक की बातें सुनते रहते हैं, वह उन्हें सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय और हिस्सेदार बनाता है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक सभी धर्म जाति के बच्चों को समान भाव से देखता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक बच्चों के माता पिता से भी संपर्क रखता है, वह बच्चों की समस्या को समझने और सुलझाने में भी उसकी मदद लेता है, उसकी मदद करता है। अच्छा शिक्षक अपने काम को मशीन की तरह पूरा नहीं करता, वह अपने काम को मानवीय सहृदयता का भी पुट रखता है, जिससे उसके छात्रों का संतुलित विकास होता है। अच्छा शिक्षक स्वाध्याय का दीप हमेशा जलाए रखता है, यानी वह समय को आसपास हो रहे परिवर्तनों से परिचित रहता है, विषय में होने वाले बदलाव की जानकारी रखता है, अपने ज्ञान का विस्तार करता चलता है। ऐसा करने से इसका लाभ उसके छात्रों को भी मिलता है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को उपलब्ध रहता है, यानी अच्छा शिक्षक स्कूल से पहले, लंच के दौरान या स्कूल के बाद भी छात्रों की मदद करने से इनकार नहीं करता है। तो इस तरह से एक और टॉपिक समाप्त हुआ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।